आरटी के जानिब से सलामी बल्लेबाज नासर। नासर और साबिर सलामी बल्लेबाज। इनिंग का आगाज करने के लिए आते हुए क्रीज पर मौजूद स्ट्राइक पर है नासर और नॉन स्ट्राइक पर है साबिर। और एमसीसी सरवा के जानिब से पहली ओवर लेकर बॉलर नेम प्लीज नूरान। कोटे की पहली ओवर इनिंग के जानिब से पहली ओवर लेकर नूरान। पावर प्ले की ओवर है, एक शानदार बल्लेबाजी दिखानी होगी इस पावर प्ले की ओवर में नासर को। एक हार्ड हिटर माने जाते हैं वो, आराठी के काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो। नूरान की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे नासर के लिए। ऑफ साइड के दिशा की गेंद थी, वहां पर गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रनों के लिए पहली गेंद पे चौका लगाया नासर ने। चार रनों से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार रन। बेहतरीन शॉट नासर के बल्ले से आता हुआ, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं। पहली गेंद पे चार रन के लिए गेंद जाती हुई। नूरान अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर। इस मैच की अंपायरिंग कर रहे अमित और मुजाहिद सोंडे। नासर को अगली गेंद नूरान की, नूरान गेंद करेंगे नासर के लिए। फिर से उसी दिशा में गेंद थी जिसे अंपायर मुजाहिद ने व्हाइट करार दिया। ऑफ स्टंप से टप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब निकली। इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पांच रन। लंबा लक्ष्य है उनके सामने। नूरान नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार। दौड़कर एक रन आसानी से मुकम्मल, दूसरे रन के लिए लौटे और ये दो रन आसानी से मुकम्मल। और अंपायर मुजाहिद का वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन, तीन रन मिलेंगे इस गेंद पर। इस तीन रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ आठ रन। नूरान आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर। स्कोर हो चुका है आठ रन। नूरान, नूरान की अगली गेंद नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार। ऑफ साइड की गेंद थी, वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त की मदद से एक रन तो जरूर मिलेगा। इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ नौ रन। बॉलर नूरान अब अपनी दिशा को भटकते हुए, लेंथ और लाइन दोनों भटकते हुए। मैच को जल्दी जल्दी खेले भाई, इसके बाद भी राउंड खिलाना है। पहला ओवर पावर प्ले का है जिसमें 38 सर्कल के बाहर सिर्फ दो खिलाड़ी होंगे।
एक धुएंदार बल्लेबाजी करनी होगी नासर को अगर अपने टीम को जीत दिलानी है तो, एक आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। नूरान की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए काफी लंबा हिट नासर के बल्ले से आता हुआ, पूरा फायदा उठाते हुए अपने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 15 रन। इस पहले ओवर के 3 गेंदे आना बाकी, स्कोर हो चुका है 15 रन। महंगे साबित होते हुए अपने पहले ओवर में नूरान शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए, अपना टैलेंट दिखाते हुए नासर आराठी के जानिब से सलामी बल्लेबाज। फील्ड का मुआयना करते हुए नासर अब खेलने के लिए तैयार। नूरान की अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे नासर के लिए। व्हाइट की अपील जरूर की अंपायर से, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 15 रन। अब इस पहले ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। नासर खेलने के लिए तैयार, नूरान की गेंद का सामना करेंगे, अंपायर पर जोरदार अपील, कोई असर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नासर घूमकर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 15 रन। नूरान आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे नासर के लिए। नासर खेलने के लिए तैयार, नासर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, आक्रामक रवैया अपनाते हुए वहां पर, पटकी हुई गेंद थी लेग की दिशा में ढकेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक खिलाड़ी है वहां पर, एक ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है आरआरटी का 16 रन। पहले पावर प्ले के इख्तिताम पर काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली हमें मैदान में नासर के बल्ले से। अब देखना है कि एमसीसी सरवा के जानिब से दूसरी ओर लेकर कौन आता है, मोहसिन कोटे की पहली ओवर इनिंग के जानिब से दूसरी ओर लेकर मोहसिन, दाहिने हाथ के गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे मोहसिन के लिए। मोहसिन नासर, नासर खेलने के लिए तैयार, बेहतरीन शॉट वहां पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, और ये गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए शानदार षटकार देखने को मिला नासर के बल्ले से। 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22 रन। बहुत ही बेहतरीन ट्राई किया वहां पर फील्डर में लेकिन गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
मोहसिन की अगली गेंद नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 22 रन। मोहसिन अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, लंबा रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार। मोहसिन गेंद करेंगे नासर के लिए, फुल टॉस गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए, एक रन आसानी से चुरा लिया, एक रन से मुतमईन होना पड़ा। इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन। मोहसिन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए, अब पहली मर्तबा साबिर स्ट्राइक पर, पहली मर्तबा साबिर। मोहसिन फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, मोहसिन पहली मर्तबा गेंद करेंगे साबिर के लिए, साबिर पहली मर्तबा सामना करेंगे मोहसिन की गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे दाहिने हाथ से साबिर के लिए, साबिर खेलने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट साबिर के बल्ले से आता हुआ, पटकी हुई गेंद थी, पूरा फायदा उठाते हुए इस 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ आराठी का 28 रन। अच्छी गेंद थी, वहां पर कट किया था गेंद को, गेंद विकेटकीपर के हाथ में नहीं गई, गेंद विकेटकीपर के पीछे चली गई, वहां पर इस एक ही रन मिलेगा, इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रन। पहली ओवर की, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर हो चुका है 30 रन। मोहसिन आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, दो बल्लेबाज वहां पर, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और एक राइट हैंड बल्लेबाज, थोड़ी दिक्कत थोड़ी परेशानी होती हुई खिलाड़ियों के लिए। अब मोहसिन की अगली गेंद नासर के लिए, नासर फील्ड का मुआयना करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं मोहसिन। अब इस दूसरी ओवर की, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, नासर, नासर खेलने के लिए तैयार, फिर से फुल टॉस गेंद थी, उठा के खेला है, गेंद हवा में है, कुछ कहा नहीं जा सकता, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, इस 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 36 रन। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है आरआरटी का 36 रन। काफी धुएंदार और शानदार बल्लेबाजी मैदान पर होती हुई नासर की। गेम को जरा तेज करें प्लीज, इसके बाद 2 राउंड खिलाने बाकी है। अब 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। एमसीसी सर्वा के जानिब से तीसरी ओवर लेकर सुबान, लास्ट मैच उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, हैट्रिक पर थे वो, लेकिन
हैट्रिक का मौका पूरा बन चुका था, लेकिन फील्डर ने वहां पर कैच छोड़ दिया। अब कोटे की पहली ओवर इनिंग के जानिब से तीसरी ओवर लेकर सुबान एमसीसी सरवा के जानिब से पहली मरतबा साबिर के लिए, साबिर खेलने के लिए तैयार। सुबान गेंद करेंगे साबिर के लिए, साबिर सामना करेंगे सुबान के लिए, बेहतरीन शॉट वहां पर खेला है खिलाड़ी मौजूद, और ये मिसफील्ड होने की वजह से गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस चार रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अब जीत के लिए बनाने होंगे 11 गेंदों में 36 रन। मैच फास्ट फास्ट खेले, दोनों अंपायर इस बात को नोट कर ले, इसके बाद दो राउंड खिलाने हैं। अगर मैच ये लेट होती है तो इसके बाद के मुकाबले दो दो ओवर के खिलाए जाएंगे। दोनों अंपायर प्लीज इस बात को नोट कर ले, टीम मीटिंग ना ले। सुबान की अगली गेंद साबिर के लिए, साबिर खेलने के लिए तैयार। अंपायर परवेश का वाइड बॉल का इशारा, इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 41 रन। बेहतरीन शॉट वहां पर, गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर साबिर के बल्ले से देखने को मिला। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ आराठी का 47 रन। महंगे साबित होते हुए सुबान अब अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे। आगे आके खेला है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, अनलकी रहे वहां पर बल्लेबाज। एक रन आसानी से मुकम्मल, दो रन मुकम्मल करते हुए तीसरे रन के लिए दौड़े, और इसी तरह ये तीन रन आसानी से मुकम्मल, और चौथे रन की भी कोशिश की है वहां पर, और ये चार रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नासर माफ कर दिया, 5 रन नहीं मिलेंगे आपको, 4 ही मिलेंगे। इस 4 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 51 रन। पहले इनिंग में जो बल्लेबाजी की वह रमीज और अब्दुल सलाम ने, उनके लिए इनाम आया हुआ है सज्जाद चौगले के जानिब से। रमीज के लिए 2000 रुपए का इनाम आया है और अब्दुल सलाम के लिए 3000 रुपए का इनाम आया है सज्जाद चौगले के जानिब से। गेंदबाज आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर महंगे साबित होते हुए, बेहतरीन गेंद वहां पर, वाइट की अपील जरूर की अंपायर से, लेकिन अंपायर परवेश पर इसका कोई असर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं पर थमा हुआ 51 रन। सुबान गेंदबाज आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, फटाफट गेम करे भाई। दोनों अंपायर इस बात को नोट कर ले, टीम मीटिंग ना ले, इसके बाद दो राउंड खिलाने हैं। साबिर सुबान की गेंद का सामना करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से, खेलना चाहते थे खुल के, गेंद बल्ले पे नहीं आई, निचला हिस्सा लगा गेंद का, एक ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 52 रन। अब इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, सुबान आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर, फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, टीम मीटिंग ना ले भाई प्लीज, इसके बाद दो राउंड खिलाने हैं। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैच को फिनिश करें भाई, टाउन की जरूरत है। अब अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार।
बेहतरीन गेंद थी, नासर इस गेंद को समझ न सके, गेंद सीधे लेग बाई की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 53 रन। प्लीज टीम मीटिंग ना ले, खिलाड़ी इस बात को नोट कर ले, दोनों अंपायर भी इस बात को नोट कर ले, टीम मीटिंग ना ले, जल्दी से जल्दी गेम को खत्म करे। आखिरी 6 गेंदे आना बाकी, इसके बाद 2 राउंड खिलाने हैं। ताउन करे मैनेजमेंट को प्लीज। अब 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। संघर्ष मुकाबला, 6 गेंदे और 23 रन। संघर्ष मुकाबला आरआरटी वर्सेस एमसीसी सरवा। अब देखना होगा कि मैच किसके पलड़े में जाता है। 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। बोलर नेम प्लीज। श्रीकांत कोटे की पहली ओवर इनिंग के जानिब से आखिरी ओवर लेकर, चौथी ओवर लेकर, जिम्मेदारी वाली ओवर लेकर आते हुए, जबकि 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। राइट आर्म राउंड विकेट से लेफ्ट हैंड गेंदबाज के खेला है, गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट नासर के बल्ले से निकलता हुआ, काफी जाराना बल्लेबाजी नासर करते हुए, इस 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 59 रन। अब 5 गेंदे और 17 रन। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज नासर आरआरटी के जानिब से, सलामी बल्लेबाज गए थे इनिंग का आगाज करने, दोनों बल्लेबाज साबिर और नासर काफी जाराना बल्लेबाजी करते हुए। नासर श्रीकांत के लिए, श्रीकांत नासर के लिए, फुल टॉस लाइन का गेंद था, उठा के खेला है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रे शपार, षटकार, पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंद का, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 65 रन। अब 4 गेंदों और 11 रन। 6 गेंदों में 23 रन की जरूरत थी, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए नासर ने। अब 4 गेंदों और 11 रन। अब अगली गेंद श्रीकांत की, बहने हाथ के गेंदबाज श्रीकांत गेंद करेंगे नासर के लिए, नासर खेलने के लिए तैयार, उठा के खेला है, गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ आरआरटी का 71। अब 3 गेंदों और 5 रन। 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। सचिन येलवे दरियावर्दी के, सचिन येलवे भाई जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पर आ जाए। 43 के स्कोर पर खेल रहे हैं नासर। अब अगली गेंद 13 गेंदों में 43। फिर से खेला है लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरह आरआरटी ने अपनी जीत हासिल कर ली एमसीसी सरवा के अगेंस्ट। 6 रनों के साथ जीत हासिल की, मुबारक हो आरआरटी और एमसीसी सरवा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 49 रनों की पारी खेली। सचिन भाई येलवे यहां पर आ जाए प्लीज, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, और आरआरटी के कप्तान भी यहां पर आ जाए शहजाद।
मुकाबला होना जा रहा है दर्यावर्दी श्रीवर्धन और आरआरटी के दरमियान। दोनों कप्तान प्लीज टॉस उछाले। दर्यावर्दी के कप्तान प्लीज यहाँ पर टॉस के लिए आ जाए।